Question number 7. A length scale depends on the probability of dielectric material Boltzmann constant, the Boltzmann constant K. अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, the fluid temperature T, the number per unit volume N of certain charge particles and the charge Q carried by each of the particles, which of the following expression for L is dimensionally correct? Basically, ये unit dimension का सवाल है, आपको unit dimension check करनी आनी चाहिए. अगर मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊं, तो इसे कैसे थोड़े आसानी से आप check कर सकते हो, मैं आपको एक option करके बता देता हूं, आपको clarity आ जाएगी. अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो देखो, जो force होता है, वो होता है 1 by 4 pi epsilon naught Q square by R square. Correct? यानी कि q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है फोर्स मीटर स्क्वायर. फोर्स मीटर स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हुई फोर्स मीटर स्क्वायर. ठीक, एक तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, n जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि 1 बाय मीटर क्यूब है. ऐसे आप kt को देखो, सर जगह kt kt टर्म दिख रही है आपको, याद है तो एनर्जी ऑफ फॉर मॉलिक्यूल होती है हाफ kt. ठीक, तो kt की यूनिट क्या हुई, एनर्जी. एंड एनर्जी कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स मीटर. That is force meter, energy work done या energy जो भी अपन लिखा चाहे वो क्या लिख सकते हैं, force into displacement, तो F into meter. यानी कि अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इसको थोड़ा सा अच्छे से, जैसे A option को अपन check करते हैं, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो N की unit wise दिखा रहा हूँ सिर्फ, N है 1 by meter cube, यानी कि 1 by meter cube, Q square by epsilon is force meter square. ठीक, और KT is basically energy, energy is force meter. तो F ने F को मार दिया, एक M ने M को मार दिया यहां पे, तो m की पावर 4 और ये m, तो 1 by मतलब ये अपना 1 m बच गया इधर और 1 m क्यूब, तो 1 by मीटर स्क्वायर, तो ये l की यूनिट आ गई 1 by मीटर. तो गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन a. ऐसे b आप चेक करें, b को आप चेक करें तो गलत हो गया ये, तो b को आप चेक करें तो आप पाएंगे epsilon by n q स्क्वायर, यानी कि epsilon by q स्क्वायर यानी कि force by मीटर स्क्वायर नीचे आएगा और फोर्स मीटर ऊपर आएगा. तो फोर्स मीटर ऊपर, फोर्स मीटर स्क्वायर नीचे और n भी नीचे है, यानी कि मीटर क्यूब कहां चला गया, ऊपर. क्लियर है एकदम. अब आप बहुत ध्यान से देखें तो फोर्स ने फोर्स को मार दिया, m की पावर 4 मीटर स्क्वायर मीटर, यानी कि b ऑप्शन सही है. चेक इन द सेम वे c एंड d एंड यू विल गेट द आंसर b एंड d. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 8, अगर अपन बहुत ध्यान समझे तो दो पॉइंट दिए हुए हैं m और n, 20 मीटर अपार्ट पे दिए हुए हैं, 118 121 इनकी फ्रीक्वेंसी जा रही है. और सवाल का डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा प्लॉट करें तो हमें दिखाई देगा कि बेसिकली इस तरीके का एक सोर्स है जो अपना थोड़ा सा बीच में बनाते हैं. ऐसा समझिए कि यहां पे अपना एक ऐसे है, ये अपना पॉइंट है, ये m पॉइंट और ये n पॉइंट, दोनों के बीच की 20 मीटर, 1800 मीटर की दूरी पे अपना एक सोर्स है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ चल रहा है. अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 1800 काफी ज्यादा है 20 मीटर के कंपैरिजन में, तो हम इसे लगभग स्ट्रेट मान सकते हैं. ऑब्लिक अपना बीट जो अपना डॉपलर इफेक्ट है उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 10 मीटर और ये 1800 मीटर, तो अपन लगभग इसे सीधा मान सकते हैं. ये आपको पॉइंट दिया हुआ है P, ठीक है, ये दिया हुआ है Q और इधर वाला दिया हुआ है R. अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वैसे A और B जो ऑप्शन जो दो ग्राफ दिए हुए ना, उनमें बहुत लॉजिकली एक बात समझ में आएगी कि A और B में से A ही सही हो सकता है. उसका कारण ये कि जब आप Q से गुजरते हो, जब आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में चेंज कब आता है, जब अगर अपन वैसे भी ऑब्जर्व करें तो जब सोर्स आपसे निकलता है तो एकदम से फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नजर आता है. तो शार्प चेंज किसमें नजर आ रहा है, इसमें कि इसमें, इसमें. इसलिए आंसर यही है. थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं, आप चाहो तो उसे और लंबा भी अपन कर सकते हैं. शुरुआत में जब आप आओगे तो लगभग ध्यान से देखो, आप लगभग जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा, मान लो आप 1800-1700 पे आ गए, तब भी लगभग ये ही बीट फ्रीक्वेंसी रहेगी. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ये जो एंगल है इसमें बहुत ज्यादा चेंज, ये चेंज ज्यादा कब आने लगेगा अगर अपने इसे अल्फा एंगल मान लें, जैसे जैसे अपन पास आएंगे और जैसे जैसे अल्फा में रफ्तार में चेंज आएगा वैसे वैसे ही बीट फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा. तो ए और बी में कौन सा ग्राफ सही है, ए. क्यू पर आपको बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी 3, क्योंकि एम की आपको बीट फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 118 एम की और इसकी दी हुई है 121, तो जाहिर सी बात है यहां पे तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो सुनाई देगी 3. कितनी सुनाई देगी, 3. और लॉजिकली क्योंकि हम यहां पे पास में आ रहे हैं, यानी कि अगर आप लॉजिकली समझे तो इस वाले की वजह से यहां पे कितनी बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, m की वजह से वो सुनाई देगी 118 × 330 + 50/3 / 330. क्लियर, और उसकी वजह से सुनाई देगी 121 303
30 प्लस 50 बाय 3 बाय 330. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस जगह पे बीट फ्रीक्वेंसी एट पी इज बेसिकली दिस माइनस दिस इनटू मतलब 3 इनटू 330 प्लस 50 बाय 3 बाय 330. बोलो क्लियर है एकदम. ऐसे ये आंसर आएगा. आप ध्यान देखो ये चीज 1 से बड़ी है तो जाहिर सी बात है 3 से थोड़ा ज्यादा आएगा यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी. क्लियरली क्लियर समझ में आ रहा है अपने को. और ऐसे ऐसे पास अपन आते जाएंगे. जब आप r पे आओगे तो देखो यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा. जब r पे आओगे तो आप दूर जा रहे होगे पास दूर जा रहे होगे तो यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस. क्या जाएगा माइनस. तो बीट फ्रीक्वेंसी एट r PQR में कितना हो जाएगा. वो हो जाएगा 3 इनटू 330 प्लस 50 बाई 3 बाई 330. क्लियर है. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इन दोनों को माइनस आएगा. यहां पे माइनस क्यों आएगा अभी मैंने समझाया. अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो लॉजिकली 3 कॉमन आ जाएगा 330 भी कॉमन आ जाएगा. तो 330 और 330 प्लस ये प्लस 50 बाई 3 और माइनस 50 बाई 3 कट जाएगा. तो असलियत में 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6. कितना आ जाएगा 6. क्या है? 2 गुना ऑफ दिस है यानी कि आपका आंसर सी भी सही है. अच्छा रेट ऑफ चेंज इन बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. अगर ए सही है तो अभी समझाया क्या पी पर ही बीट फ्रीक्वेंसी का रफ्तार सबसे ज्यादा होगी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. तो दैट्स इट. यानी कि इसका आंसर कौन कौन से हुए. इसके आंसर हुए ए सी एंड डी. थैंक यू.